नाथद्वारा शहर में पेट्रोल पंप पर बाइक से 4.25 लाख रुपए निकालकर बालक फरार। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में स्थित बोहरा पेट्रोल पंप पर बाइक से अज्ञात बालक 4.25 लाख रुपए निकालकर फरार हो गया। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। घटना के बाद पीड़ित ने इधर उधर काफ़ी तलाश की, लेकिन आरोपी बालक का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने भी घटनास्थल का मुआयना करते हुए अज्ञात बालक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जानकारी के अनुसार नाथद्वारा शहर में बोहरा पेट्रोल पंप पर बैरूनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कार्यरत कार्मिक शंकरलाल रेवारी बैंक से रुपये निकालकर पंप पर डीजल से भरा कैन लेने आया। बाइक की बैग में रुपये थे, जो अज्ञात बालक चुराकर भाग गया। शंकरलाल उस वक्त डीजल से भरा कैन लेने के लिए पंप के ऑफिस में गया और वापस लौटा, तब तक बाइक के बैग से 3,70,000 रुपये नकद चुरा कर बालक फरार हो गया। पीड़ित शंकरलाल ने आकर कार्मिकों से पूछा तो सभी ने अनभिज्ञता व्यक्त की। बाद में पंप के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो एक अज्ञात बालक दौड़कर आते हुए और बाइक के पास आकर वापस दौड़कर भागते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद बस स्टैंड के आसपास क्षेत्र में काफ़ी तलाश की गई, लेकिन बदमाश का कोई पता नहीं चल पाया। सूचना पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाकाबंदी करवाते हुए शहर में अज्ञात बालक की तलाश की, लेकिन देर रात तक भी आरोपी बालक के बारे में कोई पता नहीं चल पाया। थाना प्रभारी सुनील शर्मा द्वारा विशेष टीम का गठन किया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज के साथ ही संदिग्ध युवक व बालकों से पूछताछ कर रही हैं। हालांकि अभी तक आरोपियों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। देखिए घटनाक्रम को लेकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन बब्बर सिंह क्या कुछ कहते हैं। इनको मैंने बोला वो दरगाह खड़ा था, वही देखे काला खड़ा, उसने उसने कपड़े कैसे क्या पहन रखे, कपड़े तो मैंने इतना नहीं ध्यान रखा, मतलब शर्ट टी-शर्ट था, शर्ट था उस लड़के को। उस लड़के को पहले भी आपने कभी बस स्टैंड के आसपास घूमते हुए देखा? नहीं, उसके पास कोई बाइक थी कि वो ऐसे पैदल ही भागा? पैदल था।